कुछ नहीं है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग गाड़ी छोड़ने आए यहाँ। ले बाबा पत्रकार लोग से बात कर लो भाई, काहे के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऐसा है? मेरा फोटो खींच का ना भाई, तही तो ड्राइवर हंसना गाड़ी के ठीक तुम्हारे हंसना ना बोले ना। छत्तीसगढ़ में आजकल आबकारी विभाग के कर्मचारी कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में हैं। देखिए ना, आप सरगुजा में आबकारी उड़नदस्ता टीम के पुलिस कर्मियों ने खुद ही इतनी पी ली कि उन पर चलते ही नहीं बन रहा। शुक्रवार को उड़नदस्ता दफ्तर के पास का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पुलिस कर्मी नशे की हालत में झूमते नजर आ रहे हैं। दरअसल सरगुजा जिले में शुक्रवार की रात आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम कार्रवाई करने के लिए निकली थी। दशहरे से पहले अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने निकले पुलिस कर्मी खुद ही नशे की हालत में लड़खड़ाते दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने गाड़ी में ही शराब पी फिर ऑफिस पहुंचे। हालांकि वो इतने नशे में थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में आबकारी विभाग के प्रधान आरक्षक, आरक्षक और गाड़ी का ड्राइवर था, जिनमें से एक कर्मचारी वर्दी में भी था। शहर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम के मेंबर नशे में लड़खड़ाते हुए अधिकारियों के हॉस्टल के पास पहुंच गए। जब वो गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगे तो वो लड़खड़ा रहे थे। बताया जा रहा है कि मामले में जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि शराब के नशे में सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग की टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आबकारी उड़नदस्ता दल के कोई भी मेंबर इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार विभाग में ही मामले की जाँच की बात की जा रही है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की टीम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अवैध वसूली करते दिख रहे थे। आबकारी विभाग के उड़नदस्ता दल की अवैध वसूली का वीडियो सामने आया था, जिसमें आबकारी उड़नदस्ते पर शराब बेचने वालों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा था। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।